स्कूल कॉलेज गोइंग छात्राओं और महिलाओं के साथ सड़क पर छेड़छाड़ की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जनपद में शेरनी दस्ता और एंटी रोमियो स्क्वाड टीम बनाई गई थी। अब इन दोनों टीमों को मर्ज करके महिला सुरक्षा दल बनाया गया है, जिसके संबंध में एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने बताया कि महिला सुरक्षा दल रोज़ अपने अपने थाने के अंतर्गत भीड़ भाड़ वाली जगह, पार्क, मॉल, बाजार और स्कूल के आसपास जाकर गर्ल्स और महिलाओं को अवेयर कर रही हैं तथा सादे वस्त्र में मौजूद रहती हैं, ताकि कहीं पर महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की स्थिति ना बन पाए। और लड़कियों को इस साइबर क्राइम और हेल्पलाइन के बारे में भी बताया जा रहा है तथा साथ ही साथ विभिन्न स्कूलों में जाकर लड़कियों को महिला सुरक्षा संबंधी जानकारी भी दी जाती है। उन्होंने कहा कि साइबर थाना की 3 टीमें हैं जो बच्चों को साइबर क्राइम के संबंध में भी जागरूक करती हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक महिला सुरक्षा टीम को एक स्कूटी, विजिटिंग कार्ड और CUG मोबाइल नंबर दिए गए हैं, जिससे गर्ल्स आपात स्थिति में पुलिसकर्मी से आसानी से बात कर सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने कहा, महिला सुरक्षा दल जो पहले एंटी रोमियो स्क्वाड चलता था शहर में, उसी को रिनेम करके महिला सुरक्षा दल का नाम दिया गया है। इसका कार्य है जो महिलाएं मॉर्निंग वॉक करती हैं या बच्चियां स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, उनके स्कूल जाने कॉलेज छूटने के टाइम पे वो वहाँ पे आसपास मौजूद रहते हैं। जो भीड़ भाड़ वाले एरियाज हैं, मार्केट्स हैं, मॉल्स हैं, उनके आसपास मौजूद रहते हैं सादे वस्त्रों में। और ये इनका काम होता है कि देखते हैं कि कहीं किसी महिला के साथ में कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया जा रहा हो, कोई छेड़खानी जैसी कोई घटना घटित नहीं हो रही हो। इसके संबंध में इनके द्वारा एक रजिस्टर भी मेंटेन किया जाता है, जिसको अवलोकन समय समय पर उच्च अधिकारी द्वारा किया जाता है। और इनके साथ ही साथ इनके द्वारा जो है विभिन्न स्कूलों में जाकर के जो बच्चियां हैं उनको महिला सुरक्षा संबंधी जानकारी दी जाती है, और जो टोल फ्री नंबर है पुलिस के उसके विषय में भी जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ में हमारी जो साइबर थाना की 3 टीमें हैं जो बच्चों को साइबर क्राइम के संबंध में भी जागरूक करती हैं, क्योंकि जैसे जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ बढ़ा है, वैसे वैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्राइम की घटनाएं भी बढ़ती रही हैं, चाहे वो महिलाओं के संबंध में ही क्यों ना हो। तो उस संबंध में भी उनको बृहद जानकारी दी जाती है। प्रत्येक महिला सुरक्षा टीम को एक मतलब गाड़ी दी गई है, 2-व्हीलर, और उनको विजिटिंग कार्ड और CUG मोबाइल नंबर दिए गए हैं, जिससे उन्हें जो इंटरेक्ट करती हैं बच्चों के साथ तब उनको देना होता है। और अगर कोई बच्ची पीड़ित है तो वो उनसे इस नंबर पर संपर्क कर सकती है, और जो हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं उन पर भी कॉन्टैक्ट कर सकती है, उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा।